जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु रुक्मिणी आपका स्वागत करती हूँ हमारी शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आपकी राशि की वो पांच विशेषताएं जो आपको सबसे अलग और सबसे खास बनाती है। पीछे कुछ वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया वो तीन कौन से ऐसे काम हैं जिसे करने से आपका जीवन खराब हो रहा है, आप बर्बाद हो रहे हैं, जिस बुरे काम को छोड़ने से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और आपने उन वीडियोस को बहुत पसंद किया, एक एक वीडियो पे 35-35 लाख व्यूज यानी कि 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, तो आपने उनको बहुत पसंद किया। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रही हूं। हम सभी में बहुत सारी कमियां भी होती है तो बहुत सारी अच्छाई भी होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस संसार में जिसको केवल अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई ना हो, या केवल बुराई ही बुराई हो, कोई अच्छाई ना हो, ऐसा कोई नहीं। भगवान ने हम सबको ऐसा बनाया कि हमने कुछ अच्छी बातें भी है तो कुछ बुरी बातें भी हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बुरी बातें तो बता दी हैं, लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बिल्कुल हताश हो गए, बिल्कुल निराश हो गए, लगता है अब तो कोई मार्ग ही नहीं बचा है, लगता है अब तो जीवन में कुछ है ही नहीं, जो बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, जिनको लगता है उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बची है, वो कुछ कर नहीं सक रहे जीवन में, जीवन शायद ऐसे ही कटता रहेगा, भाग्य कभी उनका साथ नहीं देगा। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। इस वीडियो की यात्रा में पूरे मेरे साथ आप जुड़े रहें और जब इस वीडियो को आप बंद करेंगे तो ये मेरा निश्चित रूप से वादा है कि आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे, इतने पॉजिटिव, इतने सकारात्मक हो जाएंगे कि आप अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनी शशि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का आइकन भी दबा दीजिए और हमारे चैनल पेज पे बार बार जाना ना भूलें। हमारा गुरु रजनी शशि जी के नाम से चैनल है, उस पे आप बार बार जाएं क्योंकि नई वीडियोज हम वहां पर अपलोड करते रहते हैं, तो आप उन वीडियोज को देखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब तक हमारे चैनल पर 5000 से ज्यादा वीडियो हैं, जिसमें बहुत सारे उपाय और ज्ञान की बातें हम बता चुके हैं। साथ ही आप हमारा नाम गुरु रजनी ऋषि जी या गुरु मारुक्मणी यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, वहां से भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। को वा गुरु यो हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव को दीर्घ रोगो भव है साधो किमोषधम तस्य विचारे एव। ये बातें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम सब में क्या विशेषता है, हमारी राशि के अनुसार हम सब में कौन सी विशेषता है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्यों? क्योंकि मैं आपकी गुरु, मैं आपके स्पिरिचुअल गाइड हूँ, आध्यात्मिक गुरु हूँ और आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक और जहाँ मैंने आपको बताया कि आपकी कमियां क्या है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या है, ताकि उन अच्छाइयों को आप टटोल सको। अगर मान लो उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम है, भगवान ने आपको खैरात बख्शी, आपको बहुत कुछ लेके भेजा लेकिन आप जानते ही नहीं हो कि आपके पास क्या क्या। मान लो एक बंद बक्सा है और उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात बंद है लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि उसकी चाबी कहाँ है। तो वही चाबी एक गुरु होने के नाते मैं आपको देने वाली हूँ और उसी को गुरु कहते हैं। को वा गुरु यो, गुरु कौन है जो आपके हित के बारे में सोचता है? तो कभी तो मैं आपको बुराइयां पॉइंट आउट करके, बुराइयां निकाल के आपका हित सोचती हूँ और कभी अपने बच्चों की अच्छाइयां बता के उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। वो कौन सी ऐसी पांच बातें हैं, वो कौन सी ऐसी पांच विशेषताएं हैं, वो कौन से ऐसे पांच गुण हैं जो भगवान ने केवल आप ही की राशि में दिए हैं? केवल आप ही में गुण है, वो बाकी किसी और राशि में ऐसा कोई गुण नहीं। कौन सी ऐसी पांच चीजें हैं जो आपको विशेष बनाती, खास बनाती, जो केवल आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता? तो चलिए जानते हैं। तुला राशि विशेषता नंबर एक, तुला राशि
काशी के जितने भी लोग हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, भगवान ने उनके अंदर एक विशेष अट्रैक्शन लेके भेजा है, आकर्षण लेके भेजा है। उनका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा रोमांटिक होता है, थोड़ा सा फ्लर्ट होता है, लेकिन उनको सभी लोग बहुत पसंद करते। विशेषता नंबर दो, क्योंकि लोग इन्हें पसंद करते हैं, ये पॉपुलर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं और अधिकतर इनकी सभी से बनती, लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि इनका स्वभाव भी अच्छा होता है, लुभावना होता है, तो लोग इनकी तरफ हमेशा आकर्षित होते हैं और कम ही समय में जहां भी ये जाते हैं वहां पॉपुलैरिटी लोकप्रियता ये गेन कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर लेते। विशेषता नंबर तीन, जितने भी तुला राशि वाले हैं ये लाइफ को एंजॉय करते हैं। इनका मानना है कि धन सुख प्राप्ति के लिए, तो ये हर प्रकार की सुख सुविधा सामग्री अपने पास चाहते हैं, लग्जूरियस जीवन जीते हैं और धन इकट्ठा करने में इनका इतना ध्यान नहीं। इनके लिए पहले सुख है, आराम है, उसके बाद ही धन इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं। इनके साथ रहने वाले जितने भी लोग होते हैं नेचुरली वो भी इनके साथ जीवन का आनंद उठाते हैं। आगे की विशेषता बताने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हर साल आपकी गुरुवार रुक्मिणी जी शनि पीठ मंदिर पर एक नव वर्ष का यज्ञ करती है, यानी नए साल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी को हम लोग एक यज्ञ आयोजित करते हैं 4 बजे से 6 बजे तक शाम। और पिछली बार क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा गुरु माँ आपने हमें समय नहीं दिया, बताया नहीं और आमंत्रित नहीं किया तो हम पहुँच नहीं, तो अब मैं पहले से ही बहुत अच्छा समय है आपको पहले से ही बता रही हूँ कि 1 तारीख को 4 से 6 हम लोग यज्ञ करेंगे, सभी लोगों के लिए यज्ञ होगा और आप सभी को मैं सब परिवार निमंत्रण भी दे रही हूँ। जो व्यक्ति स्वयं आना चाहे, दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, या उनका आना जाना दिल्ली में लगता है, या विशेष कर वो आना चाहते हैं यज्ञ में जुड़ने के लिए, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, आपका स्वागत। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर हैं, विदेशों में हैं, वो सारे व्यक्ति अपना नाम अपना गोत्र हमें भेज सकते हैं, हम उनके नाम से उनके लिए भी यज्ञ अवश्य करेंगे, यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे ताकि आपका पूरा साल बहुत अच्छा और बहुत शुभ जाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना आपके साथ घटित ना। दक्षिणा की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी इस यज्ञ में आप योगदान देना चाहेंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी इच्छा से आप वो दे सकते, तो इसकी कोई निश्चित दक्षिणा या फीस नहीं होगी, आप जो आपकी इच्छा हो वो उसमें शनि पीठ मंदिर के लिए आप दान कर सकते। और जो लोग बहुत गरीब हैं, जो कहते हैं कि गुरु माँ हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो उसकी भी आप चिंता मत करो, अपना नाम अपना गोत्र जरूर भेजना, हम आपके लिए भी यज्ञ अवश्य करें। विशेषता नंबर 4, ये लोग अपनी सुंदरता से अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करते हैं, खास करके विपरीत से, यानी कि दूसरे जो स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री को ये आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इनके बहुत सारे अफेयर्स भी होते हैं और इनका जीवन हमेशा प्रेम से भर रहता है। विशेषता नंबर 5, ये लोग बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपाएं प्राप्त होती है और अपनी लुभावनी बातों से अपनी अच्छी बातों से ये कस्टमर का मन भी मोह लेते हैं और इनके साथ हमेशा बहुत सारा पैसा जुड़ा रहता है, बिजनेस भी सफल होता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई आपकी 5 विशेषताएं, लेकिन इसके साथ एक विशेषता, एक बहुत बड़ी विशेषता भगवान ने सभी को देकर के भेजी। जी हाँ, हर मनुष्य में, हर इंसान में भगवान ने एक विशेषता देके भेजी, वो है उसका इंसान। जी हाँ, मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, एक ऐसा शरीर है जिसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऊपर स्वर्ग में बैठे देवता भी चाहते हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन। तो वास्तव में कहूँ तो एक वरदान, एक विशेषता हमारा मनुष्य होना ही है। अब आप कहेंगे गुरु माँ कैसी अटपटी बात कर रही हैं? देखो, बहुत से लोग आप मुझसे कहते हो गुरु माँ हम न जाने कब से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं और न जाने किस किस दर पे हमने मत्था नहीं टिका, हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हर गुरु, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हर धार्मिक स्थान, हर तीर्थ स्थान, हम सब जगह होके आए हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनते नहीं।
लेकिन समस्या ये है कि आप हर जगह बाहर तो भटक रहे हो, वास्तव में वो जहाँ बैठा है वहाँ देखते ही नहीं हो। अरे वो और कहीं नहीं है, बाहर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर तुम्हारे हृदय की गुफा में ही बैठा है। और यही मनुष्य होने की विशेषता है कि जन्म के साथ ही हम ईश्वर का एक अंश अपने अंदर लेके आते हैं, तो वास्तव में तो वो यही बैठा है। एक भजन मुझे इस बात पे याद आ रहा है कि सबका मालिक है वो, सबका दाता है वो, दर बदल आने जाने से क्या फायदा। ईश्वर सबका है और इधर भटको उधर भटको उससे कुछ भी नहीं लाभ प्राप्त। अगर तुमने वास्तव में उसे खोजना है, अपनी पुकार भगवान तक पहुंचानी है, अपने दुखड़ा उसके सामने रोना है, अपने दुखों का निवारण चाहते हो, तो उसे बाहर मत खोजो। बस बहुत होगी, कितने उपाय करोगे, न जाने कितनी चीजें करोगे, न जाने किस किस पंडित जी के पास जाओगे, न जाने किस किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, और क्या होगा, तभी वही के वही हो जाते हो। तो अपनी इस विशेषता को पहचानो, उसे बाहर मत खोजो, उसे भीतर खोजो। जिस दिन तुमने बाहर भटकना छोड़ दिया और उसे भीतर खोज लिया, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ होंगे ऐसा अनुभव तुम्हें होगा, वो हर समय तुम्हारी रक्षा करेंगे ऐसा अनुभव तुम्हें प्राप्त होगा। तो अब उन्हें बाहर खोजना छोड़ के उन्हें भीतर खोजो, और यही मनुष्य धर्म है और यही सबसे बड़ा धर्म। और साथ ही अपने मनुष्य धर्म का पालन करते रहो, मनुष्य हो मनुष्य की सहायता करनी मत भूलो। मैं भी कोशिश मेरी यही रहती है कि आप सबके लिए एक उदाहरण बन के आपको दिखाऊं। एक मनुष्य है हम, और मनुष्य की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए पूरी दुनिया में 133 देशों में हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। आप अपने जीवन में इतने एजुकेटेड होने के बाद भी, MBA होने के बाद भी, या गुरुजी हमारे इंजीनियर है उसके बाद भी, हमने धर्म का चोला पहना, हमने संन्यास धारण क्यों, ताकि हम अपने जीवन को मनुष्यों के, मानवों के कल्याण के लिए लगा सके। जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया 14 साल की इस तपस्या में, उसको करने के बाद हमने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित कर, और हम पूरी दुनिया में लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, सुन के उसका निवारण करते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, अपने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के ज्ञान द्वारा और विभिन्न प्रकार के ज्ञान। तो अगर आपको लगता है आप भी अपने जीवन में किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपकी स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं, उस पर आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, और जन्म कुंडली दिखाने के माध्यम से आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। बिल्कुल इस सेवा को के लिए छोटी सी फीस हमने रखी हुई है, जो कि आप सभी के कल्याण के लिए ही फिर प्रयोग की जाती है, हमारे शनिपीठ मंदिर के संचालन में काम आती है, क्योंकि मंदिर भी तो चलाना है, मंदिर में जो लोग आते हैं उनकी व्यवस्था को भी चलाना है, उनके घर परिवार को भी चलाना है। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता होती है। तो मंदिर की व्यवस्था के लिए, जो यज्ञ महायज्ञों का आयोजन होता है उसके लिए, जो हर शनिवार मंगलवार प्रसाद वितरण गरीबों के बीच में लंगर सेवा इत्यादि की जाती है उसके लिए, जो फ्री आज लगभग 8-9 साल हो गए हैं फ्री कंप्यूटर एजुकेशन हम लड़कियों को देते हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, उनको सब कुछ सिखाते हैं ताकि वो एक अच्छी नौकरी पा सके, उसके लिए प्रयोग की जाती है। और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हम लोग करते हैं उस सब में ये प्रयोग की जाती है। हर शुक्रवार मैं आप सभी लोगों के लिए एक यज्ञ करती हूँ, बहुत समय हो गया उसे करते हुए। आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके जीवन में, मेरे भक्तों के जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। साथ में बहुत से लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की कि गुरु माँ हम तो जो फीस नहीं दे सकते तो क्या करें। उनके लिए भी एक स्वामी जी को हमने बिठाया, शनिवार इतवार वो बैठते हैं, फ्री में आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, और उनका जो भी खर्चा है वो हम मंदिर की तरफ से देते हैं। तो हम अपने मानव धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। आप भी अपने मनुष्य धर्म का पालन अवश्य करें, क्योंकि मानव धर्म परमो धर्म। साथ ही आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जो भी लोग हमारे शनिपीठ मंदिर से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग तो डेली बेसिस पे ही अपने डेली इनकम का कुछ हिस्सा पेटीएम या अकाउंट नंबर के द्वारा हमें भेजते हैं, कुछ लोग हर मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने इनकम का हिस्सा हमारे शनिपीठ मंदिर और इन सभी कार्यों में हमारी सहायता करने के लिए देते हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही उनसे कहना चाहती हूँ कि आप गुप्त दान ना करें, अपना नाम हमें जरूर व्हाट्सएप पे लिख के या मैसेज के थ्रू बताएं, ताकि हम आपके एवं आपके परिवार के नाम से भी पूजा करते रहे। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, आप सभी अपने जीवन में तरक्की कर सकें,
और दुख की कोई भी परछाई आपको छू ना सके, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना और कामना करती हूँ। जय शक्ति। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।